दिल्ली पुलिस ने जीशान और आमिर जावेद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अब से कुछ देर पहले पेश किया और कोर्ट से डिमांड की कि उनकी 14 दिन की रिमांड दी जाए। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी भी इस मामले में जो 6 आतंकी गिरफ्तार हुए उस मामले में अभी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी की तलाश है। वो महत्वपूर्ण कड़ी हुमैद नाम के एक शख्स का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने नाम बताया और पुलिस ने कहा कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में काफ़ी साजिश रची गई और प्रयागराज में ही जो जीशान था वहां से एक बड़ी रिकवरी पुलिस को की है और अब हुमैद नाम के शख्स की पुलिस को तलाश है, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुना और उसके बाद 14 दिन के लिए रिमांड पर दोनों जीशान और आमिर जावेद को भेज दिया। इसके पहले जो 4 अन्य आतंकी थे वो भी 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया, लेकिन महत्वपूर्ण कई महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें जोड़ने में पुलिस लगी और साथ ही जिन क्योंकि एक बड़ी साजिश थी पिछले 4 महीने से जो साजिश रची जा रही थी देश भर के कई अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार धमाकों की सिलसिलेवार हमला करने की, उस साजिश को लेकर अब दिल्ली पुलिस एक कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगी और साथ ही कई अन्य जो इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर जो स्लीपर सेल के लोग हैं उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और इसी के लिए आज दिल्ली पुलिस ने जो जीशान और आमिर जावेद है उसका भी 14 दिन का रिमांड ले लिया है। कमिश्नर साहिल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।